इस समय देश में हो रहे आम लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनके रहते हुए कोई भी दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, लेकिन पीएम मोदी के रहते हुए उन्हीं के शिक्षा मंत्री दलितों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जब एक दलित कुलपति बना तो मनुवादियों के पेट में मरोड़ उठने लगी और मोदी के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दलित कुलपति को हटाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। फॉरवर्ड प्रेस पर छपी खबर के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुलपति के पद पर एक दलित प्रोफेसर रास नहीं आ रहे। वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर काम करने का अवसर वरिष्ठ प्रोफेसर लेला करुणकर्या को मिला था, लेकिन उनके खिलाफ तमाम तरह की रुकावटें लगाकर उन्हें कुर्सी से उतारने का इंतजाम कर दिया गया। दरअसल कुलपति पद से रजनीश कुमार शुक्ला ने 14 अगस्त 2023 को इस्तीफा दे दिया था और उसी दिन परिसर भी छोड़ दिया था। तब रजिस्ट्रार कादर नवाज खान ने एक आदेश जारी किया था कि करुणकर्या कार्यवाहक कुलपति के रूप में काम करेंगे। जब से विश्वविद्यालय बना है तब से यही परंपरा रही है कि सबसे सीनियर प्रोफेसर को कुलपति का पदभार तब तक के लिए ग्रहण कराया जाता है, संभालने के लिए दिया जाता है जब तक कि स्थायी कुलपति का चयन और नियुक्ति नहीं हो जाती। फॉरवर्ड प्रेस की टीम लिखती है कि प्रोफेसर लेला करुणकर्या के पदभार ग्रहण करने के बाद आरएसएस की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह तो ये देखी गई कि प्रोफेसर करुणकर्या दलित हैं, जो कि केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में एकमात्र कुलपति के पद पर दिखने लगे। दूसरा, प्रोफेसर करुणकर्या का जेएनयू से पढ़ाई और विचारधारा के स्तर पर अंबेडकरवादी होना है। प्रोफेसर करुणकर्या के कार्यकारी कुलपति बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय में हलचल मच गई। शायद एक दलित को किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में देख पाना मनुवादी हजम नहीं कर पाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यालय से 29 अक्टूबर 2023 को प्रोफेसर शुक्ला का इस्तीफा स्वीकार किए जाने की जानकारी दी गई है और उसी दिन मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर कहा कि कुलपति का कार्यभार IIM नागपुर के निदेशक भीमराय मैत्री को सौंपा जाना चाहिए। जबकि मंत्रालय के इस तरह के निर्देश का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, यानी नियमों के खिलाफ जाकर ऐसा आदेश जारी किया गया। इतना ही नहीं, दूसरे संस्थानों में भी ऐसे पदों के खाली होने के बाद सीनियर शिक्षकों द्वारा भरे जाने के नियम हैं। विश्वविद्यालय के कानून के अनुसार यदि कुलपति का पद खाली होता है तो प्रो VC कार्यभार संभालेंगे और उनके अनुपस्थिति में सबसे सीनियर प्रोफेसर कार्यभार संभालेंगे। हालांकि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी में कोई प्रो VC नहीं है और सबसे सीनियर प्रोफेसर करुणकर्या हैं, जो कि एक दलित स्कॉलर हैं। प्रोफेसर करुणकर्या ने शिक्षा मंत्रालय के भीमराय मैत्री को कुलपति का कार्यभार सौंपे जाने के निर्देश का विरोध किया और इसे बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में चुनौती दी। लगभग 5 महीने तक न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया चलती रही और 28 मार्च 2024 को जस्टिस MS जावलकर और जस्टिस अनिल S किलोर की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने मैत्री की नियुक्ति के शिक्षा मंत्रालय के आदेश को रद्द कर दिया। 28 मार्च 2024 के फैसले में कहा गया, उपरोक्त कानून की भाषा को ध्यान में रखते हुए हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि ऐसा तरीका संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि कुलाध्यक्ष यानी भारत के राष्ट्रपति कुलपति की स्थायी की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि 1 अप्रैल 2024 को अदालत द्वारा जारी किए गए एक अन्य आदेश में पहले के आदेश में टाइपिंग की गलती की बात कही गई और फिर संशोधन करते हुए कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 यानी कुलाध्यक्ष कानून 2(7) के प्रावधान के अनुसार कुलपति का पद सौंपने के संबंध में नया निर्णय ले सकता है। वहीं प्रोफेसर करुणकर्या ने विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार कुलपति का कार्यभार लेने की सूचना भेज दी, लेकिन उसे शिक्षा मंत्रालय मानने को तैयार नहीं है, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने इन कार्यवाही को मनमानी माना और 5 अप्रैल को कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाने और करुणकर्या के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि करुणकर्या ने स्वयं कई मनमाने पत्र व्यवहार और आदेश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया कि यह माननीय हाईकोर्ट के पूर्वोक्त फैसले का उल्लंघन है, प्रोफेसर करुणकर्या के उपरोक्त कृत्य त्रास और व्यवधान पैदा कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के उचित व सुचारू कामकाज में गंभीर बाधा आ रही है। विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक बुलाकर प्रोफेसर करुणकर्या को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार को शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में एवं रजिस्ट्रार के रूप में अपने आदेशों व निर्णयों से विश्वविद्यालय को कई बार हास्यास्पद स्थिति में डालने पर तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा और उन्हें निलंबन की कार्रवाई से गुजरना पड़ा। उनके खिलाफ जांच समिति भी बनाई गई। अगर प्रोफेसर करुणकर्या को कुलपति के रूप में मंत्रालय स्वीकार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ द्वारा केंद्र सरकार के नियुक्त किए गए उम्मीदवार को हटाए जाने के बाद पिछले 1 अप्रैल से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी
हिंदी विश्वविद्यालय कुलपति के बिना ही चल रहा है। बताते चलें कि विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों में शिक्षा मंत्रालय का सहयोग हासिल होता है। अभी तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर कारुण्याकरा के खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र जारी कर दिया है और विश्वविद्यालय ने उस पर अति सक्रिय होकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने यह तय नहीं किया है कि किसे कुलपति नियुक्त किया जाए। इस तरह प्रोफेसर कारुण्याकरा के खिलाफ मंत्रालय के निर्देश पर कार्रवाई किए जाने की तलवार लटक रही है। भारत के इकलौते दलित कुलपति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई भला क्यों की जा रही है, ये वो सवाल है जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश के सामने देना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।